हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और गुरजीत भाई, आज वो दिन आ गया जब हम लोग जा रहे बेटा, क्या बोलते हो? हाँ तो गया, लेकिन मौसम अचानक से ऐसा चेंज हो गया कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। और 4 डिग्री टेम्परेचर इस समय वादी मूसा में, मतलब 4 डिग्री कहने के लिए है, फील्स लाइक माइनस में ही है कुछ है। नहीं नहीं, अभी तो 2 डिग्री रात में हो गया होगा। तो यहाँ से पेट्रा लगभग 10-15 मिनट का है। तो अभी हम लोग एक कैफे में बैठे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मंगा लिया शॉर्मा अपने लिए, इसके लिए खमूस मंगा लिया है। तो चलते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। और ये हम लोग आज का लग रहा हूँ कि बीमार हूँ, शक्ल तो नहीं लग रही, शक्ल तुम क्या लग रहा पता है? कोई डिफेक्टिव लग रहा है। और हम लग क्या लग रहे हैं? कोई यूरोपियन। तो पेट्रा पहुंचते, थोड़ा चलते वॉक करते खाते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा फेस पे ग्लो आ जाएगा। लगभग यहाँ से बस गेट पर हम पहुँच गए हैं, 2 किलोमीटर था हमारा रास्ता। और दुर्गेश भाई को इतनी ठंडी लग रही है, इनफैक्ट मुझे भी लग रही है। ठीक है भाई, इधर देखो। हाँ ऐसे ही एकदम लो लो। तो हम लोग यहाँ टिकट काउंटर पहुँच चुके हैं। तो वैसे तो 50 JD लगता है एंट्री का, लगभग मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये इंक्लूड है हमारे जॉर्डन पास में। और इनफैक्ट अगर हम यहाँ 2 दिन आ जाएं तो 2 दिन भी आ सकते हो, तो पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। और जॉर्डन पास जरूर लेगा, 8-10 हज़ार रुपये के पड़ते हैं, काफ़ी सही है। और वीज़ा भी तो इंक्लूड ही रहता है, वो तो मैंने बताया है पुरानी वीडियोज़ में। और ये टिकट काउंटर है यहाँ पर 2 डेज, यस वैलिड फॉर 2 डेज, यस थैंक यू। तो यहाँ पर आपको घुसने के बाद हॉर्सेस मिल जाएंगे। तो हॉर्सेस का वैसे तो ये बोले कि 1 दिनार मांग रहे हैं, बट कई वीडियोस मैंने देखा है जिसमें स्कैम भी होता है, ये काफ़ी फिर बाद में जाके चिक चिक करते हैं और मूड ख़राब करते हैं। और अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक वाली व्हीकल लोगे तो 25 JD लग रहा है, हम दोनों का ही लग रहा था आने और जाने का। तो हमने देखा कि बहुत लोग पैदल जा रहे हैं, तो हम लोग भी चल रहे हैं पैदल। वैष्णो देवी में लेते हैं, बूढ़े लोग लेते हैं, अभी तो जवान है हम लोग। तो ताजमहल हमारा हो गया है, और चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी हो गया, और आज ये 3रा वंडर मेरा हो जाएगा, पेट्रा जॉर्डन। और बहुत सही नज़ारा है ये। भाई बस सामने दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और इस वीडियो को मैंने यहां से बनाना स्टार्ट कर दिया है। भाइयों स्वागत है आपका पेट्रा जॉर्डन में, और मेरे पीछे है वही ट्रेजरी। वैसे तो बारिश के बाद यहाँ बहुत कीचड़ हो गया है, और भीड़ तो भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई फाइनली हम लोग का ये हो गया। क्या सही, तो भाई मज़ा आ गया, कैमल राइड और कैमल के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए पेट्रा के सामने। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, एक पॉइंट है फ़ोटो का, तो एक हायर वन था वो 25 दिनार मांग रहा था 2 लोग का, और 20 मांग रहा है मिडिल वाला। तो मुझे लग रहा है मिडिल वाली ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आ रही है, मतलब उसकी हाइट कम रहेगी। तो चलते हैं अपने बंदे के साथ, वो बढ़िया वीडियो बना लेता है।
भाई ये रास्ता तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, तो चलते हैं इस पे। अरे यार टूरिस्ट को फॉलो करना है, वो नहीं आएगा, वो आएंगे बाद में, पीछे पीछे आएंगे हमारे। तो भाई ये रास्ता बड़ा खतरनाक सा है, चलते रहो भाई। और सामने बैठ रहा गाइस, बाय बाय। यहाँ से घुसे, हाँ अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, हाँ ठीक है, हाँ अब हम लोग को आई थिंक इस तरफ जाना है, नहीं इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। अच्छा उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा, वो तो हम लोग तो इधर से हैं, चलो इधर चलते हैं फिर। एक फोटो Let's get to buy, have a look, let's get to buy. तो पेट्रा के अंदर आप जब ट्रेल पे चलोगे, अपने रास्ते पे चलोगे, तो इस तरह से बहुत सारी सुविनियर शॉप और कुछ कॉफी ऑफी की शॉप भी मिल जाएगी आपको। दुर्गेश क्या मंगा रहे हैं यार हम लोग? कॉफी ले रहा, मैं नहीं ले, तुम क्या मंगा रहे हो? कैपुचिनो। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ कॉफी ऑफी ले लूँ, और ये काफ़ी सुंदर सुंदर है। इनफैक्ट ये वाले जो चीज़ है ना, ये मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में दिखाया कि जराश में और इवन अमान में भी थिएटर मिलता है, तो सामने ये पेट्रा में भी थिएटर है। तो यहाँ क्या होता था, पूरी जनता बैठ जाती थी और यहाँ कुछ प्रोग्राम होते थे या फाइटिंग होती थी, क्या भी होता था। और सामने वो धूप से जो पहाड़ियों पे आ रहा है, वो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। और घर के लिए हमने ले लिया ये सब, और कुछ ले लिए छोटे छोटे मैग्नेट्स अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए। और ये सुविनियर शॉप आपको अंदर ही मिल जाएगी इसके। हेलो दुर्गेश, लुक एट मी हबीबी। हाँ तो दुर्गेश भाई, हम लोग कहाँ पर हैं अभी, और बताओ यार इस जगह के बारे में बताओ, तुम ही हो हमारे विकिपीडिया यहाँ के लोकल। अभी हम लोग हैं पेट्रा आर्कियोलॉजिकल साइट में, बेसिकली हाँ। एक यूएन का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। अप्रॉक्स आई थिंक फोर्थ सेंचुरी में 300 BC के आसपास नेबेशियन किंगडम था, जो यहाँ के लोकल बेडुइन ट्राइब्स थे, उन लोगों का ये सेंटर पॉइंट हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था। और उस समय ऐसा कहा जाता था, जैसा मतलब मैंने जो पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, उस समय इस रीजन का सबसे वेल्दी किंगडम हुआ करता था ये नेबेशियन किंगडम। और इनके ऊपर ग्रीक्स ने अटैक किया था, बट ये जो टेरेन है, इस टेरेन का हेल्प लेके नेबेशियंस ने ग्रीक्स को भगा दिया था। बट उसके कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद, मुझे ठीक से याद नहीं है एग्जैक्टली ईयर क्या था, रोमन्स ने अटैक किया, तो रोमन्स के सामने नेबेशियंस ने सरेंडर कर दिया था। और फिर उन लोगों ने इस एरिया का मतलब रीनेमिंग किया, इसको फिर अरेबिक पेट्रा बोला इस एरिया को। तो बेसिक हिस्ट्री यहाँ की ये है, और ये 7 वंडर्स में से एक कहा जाता है। तो बेसिकली है भी, आप लोग देख रहे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विकीपीडिया गूगल है ही, और वहाँ से भी मन नहीं भरता है।
तो लिंक वो मिल जाएगा, मुझसे बात करने का डिटेल। पीछे ट्रेजरी है, हम लोग वापस जा रहे हैं अपने बाहर अपने होटल की तरफ। यहाँ जाना है वादी रम, और मेरे पीछे ट्रेजरी के जस्ट बगल में शॉप्स हैं, सुविनेर शॉप्स, और वो आगे भी मिलती रहेगी, तो हम लोग ने आगे से लिया था। और साथ में यहाँ पर टी कॉफ़ी की भी शॉप से, तो दुर्गेश गया टी लेने, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप देख पा रहे होगे कि जहाँ हम लोग ने फ़ोटो खिंचाया था, 10 dirhams दे के ऊपर, 10 dinars दे के ऊपर गए थे, वो ये जगह थी इस सामने ऊपर, और वहाँ से फिर दिखता है ये ट्रेजरी जो कि मेन अट्रैक्शन है इस पेट्रा का। तो भाई यहाँ पर इतनी ठंडी है कि हम लोग पता नहीं क्या जो भी है मुंह में बांध लिए दुर्गेश भाई, और यहाँ सब यही दुआ कर रहे हैं कि यहाँ से लौटने के बाद तबीयत ना खराब हो। और यहाँ से हमारे पीछे रास्ता जा रहा है, बस 1 kilometer बचा ट्रेजरी के लिए, तो चलते हैं वहाँ पर। 1 kilometer की वॉक और है, हमने कुछ भी नहीं लिया, घोड़ा वोड़ा मांग रहे थे कि घोड़ा गाड़ी वाले कह रहे थे कि आप घोड़े ले लीजिए, गधे ले लीजिए, उस पर बैठ जाइए, लेकिन नहीं भाई।